फ्रेंड वेलकम बैक, मैं हूं आपका अपना राजू भाई और आज आपके सामने लाया हूं एक बार फिर से एक्सट्रीम की टॉप नोच मॉडिफिकेशन और साथ में लाए हैं टॉप नोच डुगू। ये हमारा डुगू, हाय करो सबको, डुगू हाय करो, हाय। क्या कहोगे बताओ, कुछ कहना चाहते हो आप? हाय हाय, सुन लो भाई, हाय कर देना सब इसको। ये हमारा डुगू SKD की जो फुल फॉर्म है शालू कुलदीप डुगू, तो ये सबसे छोटा डुगू है। तो करते हैं शुरू इसकी मॉडिफिकेशन। तो ये है इसका वाइजर जो कि लगा देगा इसके अंदर, लुक को काफ़ी इनहेंस कर देता है। और भैया ने जो पन्नी इसकी थी ना नीचे, वो ऊपर लगा दी है, तो ऐसा लग रहा है जैसे कंपनी वालों ने लगा के दिया है, अलग से तो दिख नहीं रहे। गाड़ी भी कल ही आई है और ये आ जाएगी मॉडिफिकेशन के लिए, तो देख सकते हैं लुक काफ़ी जबरदस्त हो गया इसे लगने के बाद। और इसके बाद आते हैं नीचे, तो नीचे आपको देखने मिलेगा इसके अंदर, देख सकते हैं ये इसकी शॉकर प्रोटेक्शन, इससे आपका मडगार्ड शॉकर और आपके नीचे है फॉक्स लैडर, इससे आपका USB प्लेट और आपके साथ में डिस्प्ले, ये होती है पूरी सेफ। और इधर आपको देखने मिलेगा लुकिंग काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त हो जाती है, देख सकते हैं दोनों तरफ मिलेगी लुकिंग आपको। और ब्लैक बाइक है तो ब्लैक बाइक पे ब्लैक ही लगा देगा। और ये है पूरा मेटल वाला, नॉर्मली लोग क्या करते हैं प्लास्टिक वाला लगवा लेते हैं, बट प्लास्टिक में क्या होता है बिल्ड क्वालिटी नहीं होती है, हल्का होता है, लुक भी काफ़ी एनहांस नहीं होती है और सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं होती है। इससे सेफ्टी भी और लुक भी काफ़ी एनहांस हो गई है। और इधर आपको देखने मिलेगा लीवर गार्ड जो लगा देगा ब्लैक एंड ग्रे की मैचिंग से, ये भाई साहब आज बाइक उड़ाने वाला है मुझे लग रहा है। इससे आपके लीवर भी सेफ होते हैं, साथ में आपके हैंड भी सेफ हो जाते हैं, सेम इधर सेम मिलता है आपको इस तरफ। तो इधर देखने मिलेगा मोबाइल होल्डर, इसमें मोबाइल लगाने के बाद आप GPS ऑन करके निकल सकते हैं कहीं भी, किसी भी अपनी राइड पर, छोटी हो बड़ी हो राइड हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा इजी इसे लगाने के बाद। और फिर उसके बाद दिखाता हूँ आपको क्रैश गार्ड। और एक क्रैश गार्ड से मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, आप कहीं भी जाते हैं ना क्रैश गार्ड लगवाने, स्पेशली फॉर एक्सट्रीम, इसका क्रैश गार्ड ये जो बनाया ना ये प्रॉपर इसकी लुकिंग को इनहेंस भी करता है, साथ में सेफ्टी पूरी पूरी होती है। बाकी आफ्टर मार्केट लोग क्या करते हैं पत्ती वाला क्रैश गार्ड लगा देते हैं, कोई जुगाड़ से कोई बिना जुगाड़ से, पर उससे बेनिफिट नहीं होता है कुछ भी, क्योंकि जब भी वो पत्ती वाला लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले पता क्या होता है, ये जो प्रॉपर फिटमेंट है ना ये यहाँ की जगह ना, आप ना सिर्फ वीडियो देखो और उसके बाद दूसरों की वीडियो चेक कर लेना कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ये जो यहाँ पर फिटिंग आपको दिख रही है ना, इसकी यहाँ की जगह फिटिंग होती है इसकी, इधर नीचे यहाँ पे देखें जुगाड़ लगाते हैं पत्ती का वो, और ऐसी कुछ पत्तियाँ इधर भी लगा देते हैं जिससे लुक भी ख़राब हो जाती है और साथ में ना सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं होती। ये है काफ़ी हैवी क्वालिटी का, एक फिटिंग आपकी ये रही, एक फिटिंग इसकी ये रही जर्मन फिटिंग, और एक फिटिंग आपको मिलती है इस तरफ भी, ये देख सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है, मैं कोई भी बाइक का अगर कर रहा हूँ तो उसकी प्रॉपर फिटिंग आपको ज़रूर दिखाता हूँ, क्योंकि लोग क्या करते हैं फिटिंग दिखाते ही नहीं है, सिर्फ लगा दिया फिट हो गया बात खत्म। पर अपने पास ऐसा काम में प्रॉपर फिटिंग दिखाना ज़रूरी होता है, इससे आप लोगों को नॉलेज मिलती है कि चीज़ बेटर है या फिर बेटर नहीं है। और साथ में स्लाइडर है ना, ये आपका टैंक आपके TPFC और आपके खुद के लैक्स ये करता है प्रोडक्ट, सेम आपको इस तरह मिलता है, सेम आपको इस तरह मिलता है, दोनों तरफ देखने मिल जाता है। और साथ में आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, देख सकते हैं ये है इसके साइड स्टैंड जैकेट जो कि इसके अंदर लगा दी गई है, कहीं भी आप कीचड़ में मिट्टी में डस्ट में कहीं पर भी अभी स्टेबल खड़ी रहेगी, आपकी मूव नहीं होगी, गिरेगी नहीं गाड़ी, तो ये बेनिफिट होता है इसका। तो अब इसके अंदर आपको एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ जो कि आपको देखने मिलेगी इसके अंदर, व्हील कवर, ये देख सकते हैं ये व्हील कवर लगा देंगे, इससे ना लगने से लुक काफ़ी ज़्यादा इनहेंस हो गई और भी ज़्यादा आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले की लुक और आपकी लुक में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज आ चुके हैं, क्योंकि इसे लगाने के बाद कवर हो चुका है पूरा आपका व्हील, और ऐसा लग रहा है कि अलॉय व्हील पूरा बंद वाला ही अलॉय व्हील्स है जो कि आपको देखने मिल जाते हैं। भी बैक साइड में देख लो आप, सेम बैक साइड में मिलेगा आपको, इधर देख सकते हैं वही, इस तरफ से देखो आप पूरा व्यू नज़र आएगा इस तरफ से, ये देख लो आप, ये इसका है जो इसके अंदर लग चुका है। और इसके बाद दिखाता हूँ इधर ब्रेक पैनल एक्सटेंडर जो कि लगा देगा इसके, देख सकते हैं ये इसका ब्रेक पैनल एक्सटेंडर है, क्योंकि जो इसके अंदर होता है वो काफ़ी छोटा सा स्लिम ट्रिम होता है ब्रेक पैनल, और वो स्किट होने का खतरा होता है पैर को, तो इसे लगाने के बाद स्किट होने का खतरा हो गया ख़त्म पूरी तरीके से, क्योंकि अब आपका ब्रेक पैनल हो गया बड़ा। और यहाँ पर आने के बाद मॉडिफिकेशन हो गई कम्प्लीट। अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको हमारा काम कैसा लगा, आइए सर। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप और कैसा लगा आपको काम, कैसा लगा आपका हमारा व्यवहार? अच्छा है, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है और आपके जो एम्प्लॉयज़ है वो भी अच्छी तरीके से बात करते हैं और सारी चीज़ एकदम अच्छी तरीके से लगी हुई है, मतलब कुछ ऐसा नहीं लग रहा कोई जुगाड़ उगाड़ या कहीं से भी कुछ नहीं लग रहा, सारी चीज़ एकदम तरीके से लगा रखी आपने, तो ये देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपके पास जैसे ये जो चीज़ मैंने लगवाई है आपसे, ये शॉकर के लिए और इसके लिए, इसकी क्वालिटी मेरे को सबसे अच्छी लगी, क्योंकि आपके पास ये बहुत सी क्वालिटी में है, कुछ वैसे लो में भी है हाई में भी है, तो मेरे को तो ये क्वालिटी अच्छी लगी तब मैंने आपसे ये लगवाई है। ऑल अबाउट आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, अब मैं सेटिस्फाइड हूँ आपका। बहुत से लोग कुछ और भी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो उनके लिए क्या कोई जवाब है उन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जवाब है कि जैसे कुछ लोग ये सोचते हैं करोल बाग में ठगा जाता है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है, तो ठगने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको लो वाली चीज़ लगानी है तो आप प्लास्टिक की लगा लो, वो 200 में भी लग जाएगी, अच्छी चीज़ लगाओगे तो उसमें थोड़े पैसे खर्च होंगे ही होंगे,
तो वो ये आप 2-4-5 साल के लिए सेटिस्फाई हो जाओगे। और ना ये भैया भी, इन भैया ने बुलाया इनको, आइए भैया, आप भी, आपको बुलाना चाहूँगा मैं, आप भी आ जाओ कोई बात नहीं, एंड आप भी आ जाओ साथ में, दोनों आ जाओ। तो मैं बुलाना चाहूँगा आपको भी कि भैया आपको भैया ने बुलाया, पहले आप इधर, आपको भैया ने बुलाया स्पेशली, अभी आपका काम चल रहा है, इंतजार कर लेंगे, बाद में आपका बाइक का वीडियो बनेगा, उसका रिव्यू लिया जाएगा। आप कहाँ जाना चाहते थे और कहाँ भैया ने बुलाया और यहाँ पर आकर आपको कैसा फील हो? भैया मैं रुड़की से आया हूँ, 210 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से, वहाँ पे सामान नहीं मिल पा रहे थे और मिल रहे थे तो कोई लगाने वाला नहीं था, तो मुझे क्रोल बाग का ऐसे पता लगा, तो मैंने उस यूट्यूब वगैरह सर्च करा सब चीज़ें, तो SKD में कन्फ्यूज़न हो रहा था मुझे, दो SKD हो रहे थे इस तरीके से, तो मैं उसमें कन्फ्यूज़न में इधर आया, तो ये भाई मतलब मेरे जान में जान पहचान में ही है, इनसे मेरी बात हुई, तो इन्होंने मुझे ये बताया कि राजू भाई वाले जो SKD हैं ये यहाँ पर आओ, और ये आपको पहले से जानते थे और यहाँ पर आके मैं बिल्कुल सही से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हाँ या तो इनकी बाइक में या मेरी बाइक में कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि गलत है या हो सकती है। अब रियल और फेक वाला भी बता दो जरा। हाँ जो रियल है वो SKD राजू भाई के जो नाम से चैनल है वो रियल SKD है, अगर आपको किसी को आना है तो SKD राजू भाई सर्च करके आए, SKD राजू भाई के नाम से आए सर्च करके, वहीं से यूट्यूब से कॉन्टैक्ट का नंबर लेके, मतलब यही है कहने का, मतलब यही है कि ओरिजिनल यही है, वो भी आपके थ्रू ही हुआ है, पर वो क्या नाम है आपका, मतलब नाम लेके गलत डायरेक्शन दे रहे हैं, उनके पास कोई चीज़ ऐसी है नहीं बना, मतलब बनाने वाली कि वो यूज़ कर सके। बात ये है कि SKD के साथ राजू भाई याद रखें। हाँ बस तो वीडियो चलो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें राजू भाई SKD को, और एड्रेस वैसे मेरा सिंपल सा एड्रेस है, हनुमान जी की मूर्ति मैं आपको बताता हूँ बोर्ड की, क्योंकि बोर्ड पर जो है ना हनुमान जी की मूर्ति वो जरूर देख लें, समझ लो वो आपको मूर्ति आपने चेस कर ली ना तो पहुँच गए आप सही जगह पर, बाकी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, फिर ओनली हनुमान जी की मूर्ति जो कि रियल है। इस गियर शॉक से सबसे महत्व होता है ना, पता है क्या होता है, शूज़ ना ख़राब नहीं होते, देखो शूज़ ख़राब होता है वरना, अगर देख लो ये निशान अभी तेल है, तेल का निशान है, तेल आगे चढ़ा है इसलिए, वैसे इस पर शूज़ ख़राब होता नहीं, देखो तेल मेरे ही शूज़ ख़राब हो गया, लेगा लीवर गार्ड, शाबाश शाबाश, चला ले, वाह अरे वाह, तो आप कोई फेल करेगा के अंदर लगने के बाद लुक काफ़ी इनहेंस हो जाएगी। हाँ जी तुम्हारी भी, तुम्हारी लुक इनहेंस नहीं होगी, बेफिक्र होगी। बात ये है कि SKD के साथ राजू भाई याद रखें। हाँ बस क्योंकि राजू भाई पापा है, बाकी सब बच्चे हैं। तो चलो वीडियो चलो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो राजू भाई SKD को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय, ले भाई।